मोस्ट अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज इन दूके वेलकम बैक टू दैनल मेरा नाम मनप्रीत सिंह है हम सभी को पता है यूके इज नोन फॉर इट्स यूनिवर्सिटीज आप अच्छे से रिसर्च करने बैठोगे ना यूके में आपको हंड्रेड प्लस यूनिवर्सिटीज देखने को मिल जाएगी सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं अपना कोर्स डिसाइड करके जब यूनिवर्सिटी का हंटिंग शुरू करते हैं ना तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको टॉप 20 यूनिवर्सिटीज बताने वाला हूँ जिसमें से पांच छह यूनिवर्सिटीज ऐसी बताऊंगा जिसमें कि आपको जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है ऑब्वियसली आप फीस पे कर रहे हो यू आर इन्वेस्टिंग समथिंग एंड जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगी इन द टर्म्स ऑफ द डिग्री यू गेट इन द टर्म्स ऑफ द कैंपसिंग तो उसमें वो बेस्ट रहेगी मतलब वहां पे हम उस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे फीस को प्रायोरिटी नहीं देंगे छह कॉलेज बताने के बाद जो नेक्स्ट मैं फोर्टीन यूनिवर्सिटीज आपको बताने वाला हूँ तो उसकी रैंकिंग थोड़ी सी डिसेंट रखेंगे तो जो फीस आपको पे करनी पड़ेगी वो भी हम डिसेंट रखेंगे सो गाइज बिफोर दैट लेट मी जस्ट टेल यू यहां पे इस नोटबुक में कम से कम मेरे पास 40 यूनिवर्सिटीज हैं मुझे बहुत टाइम लग गया था रिसर्च करते हुए फिर एक और कॉपी है मेरे पास अभी यहां पे मैंने कम से कम 20 यूनिवर्सिटीज फिर से फिल्टर कर करके निकाली अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग एंड एवरी मेहनत बहुत लगी है इन रिटर्न बस सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर मैं अभी भी कोई मिस कर जाऊंगा ना तो प्लीज उसको कमेंट्स में जरूर बताना ताकि उसके ऊपर अगर आपका कोई दोस्त या कोई भी इंडिया पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं कन्वर्सेशन सबसे पहली यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ मैं ये मैनचेस्टर में ये नाम से पता चल रहा है इस यूनिवर्सिटी में जो एवरेज कोर्सेज की फीस है एंड वो डिपेंड करता है ऑन द कोर्स यू गो फॉर इट एंड इसके बाद आती है नंबर फाइव पे यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल यस ये थोड़ी चीप यूनिवर्सिटी है एस कम्पेयर टू द होल लिस्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे जो आपको कोर्स के लिए फीस देनी पड़ेगी एवरेज दैट इज समेर अराउंड सिक्सटीन टू ट्वेंटी टू थाउजेंड पाउंड इसको मैंने इस नंबर में इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे जो स्कॉलरशिप आपको देखने को मिल जाएगी एंड जो हमारे लोग हैं मतलब हमारे एशियन पीपल हैं वो भी यहाँ पे आके आपको देखने को मिल जाएंगे जिसके कारण कि आपको यहाँ पे नए कंट्री में आके सेटल करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाता है नंबर फोर आ जाता है लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंसेज ये जो यूनिवर्सिटी है ये यहाँ पे लंडन में ही है जहाँ पे मैं इस वक्त रह रहा हूँ जो एवरेज फीस आपको पे करनी पड़ेगी दैट इज अराउंड थर्टी थाउजेंड पाउंड इसके बाद एट द थर्ड पोजिशन वी हैव किंग्स कॉलेज लंडन इसके साथ एक और ट्राई ब्रेकर है मतलब एक और यूनिवर्सिटी दे बोथ ऑफ दर्ड पोजिशन द नेम ऑफ द इज क्वींस मेरी यूनिवर्सिटी इन दोनों कॉलेजेस में जो आपको

एक्चुअली अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज में जहाँ पे थोड़ी डिसेंट आपको फीस पे करनी पड़ेगी एंड आपको जो पढ़ाई जो टीचिंग स्टाफ मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी की सस्टेनेबिलिटी कैंपसिंग एक्सेप्टेंस ए टू जेड हर चीज है वो आपको डिसेंट वैल्यू देखने को मिल जाएगी इन सारी यूनिवर्सिटीज में ना आपको हमारे जो एशियन पीपल है यानी कि इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी नेपाली पीपल आपको देखने को मिल जाएंगे तो ऐसा वो चीज़ नहीं रहती काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में कि यार हम जाएंगे एंड हम मिक्स नहीं हो पाएंगे वहाँ पे नए कल्चर में एक वेबसाइट है जिसका नाम है क्यू एस वर्ल्ड रैंकिंग ये वेबसाइट इज ऑल अबाउट द रैंकिंग ऑफ द यूनिवर्सिटीज अगर मैं यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी बता रहा ना वो मिस कर जाता हूँ या तो आपने जो यूनिवर्सिटी सोच रखी है मान लो इन फ्यूचर आप वहाँ पे जाना चाहते हो बट बिफोर गोइंग दैर अगर आप ये वेबसाइट विजिट करते हो एंड वहाँ पे जाके चेक करते हो तो आपको वो रैंकिंग मिल जाएगी एंड इट्स अ वेरी ऑथेंटिक वेबसाइट यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी की रैंकिंग हर साल अपडेट की जाती है अलग अलग यू नो इंडेक्सेस है यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी जॉब रेट्स एंड कैंपसिंग सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं वेबसाइट का जरूर जाके उसको चेक करना अभी स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी जो की आपके लिए अफोर्डेबल है यूनिवर्सिटी ऑफ बॉल्टन बोल्टन सिटी में यूनिवर्सिटी सिचुएटेड एंड यहाँ पे एवरेज आपको फीस देनी पड़ेगी दैट इज समर अराउंड ट्वेल्थ थाउजेंड टू फोर्टीन थाउजेंड पर ईयर नंबर टू पे आती है लीड्स बैकेट यूनिवर्सिटीज ये यूनिवर्सिटी लीड्स में टे है एंड जो एवरेज फीस आपको पे करनी पड़ेगी दैट इज समयर अराउंड ट्वेल्व टू फिफ्टी थाउजेंड पर ईयर नंबर थ्री यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीन इसका कैंपस आपको लंडन में भी मिल जाएगा एंड जो आप एवरेज फीस पे करोगे दैट विल अराउंड ट्वेल्व टू थर्टीन थाउजेंड पाउंड नंबर फोर यूनिवर्सिटी ऑफ कम्ब्रिया इस यूनिवर्सिटी की एवरेज फीस इज अराउंड फिफ्टीन टू सिक्सटी थाउजेंड पाउंड नंबर फाइव इज द टी साइड यूनिवर्सिटी ये बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है यहाँ पे बहुत इंडियन पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी पीपल आपको देखने को मिल जाएंगे जो एवरेज फीस है दैट इज संवर अराउंड सिक्स टू सेवनटीन थाउजेंड पाउंड बट यहाँ पे एक आप वेबसाइट चेक कर लेना क्योंकि वो आपको 2000 से 3000 पाउंड तक की स्कॉलरशिप भी दे देंगे नंबर पे आ जाती है बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कोवेंट्री यूनिवर्सिटी बट ये यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे सो so, इसकी जो प्राइस रेंज है ना दैट इज फ्रॉम फोर्टीन थाउजेंड पाउंड टू ट्वेंटी थाउजेंड पाउंड स्कॉलरशिप भी मिलती है मतलब कि ये तो कहने की बात है ही नहीं कमेंट्स आप जाके पढ़ लो कोई ना कोई आपको आराम से कोवेंट्री यूनिवर्सिटी का जरूर मिल जाएगा नंबर सेवन पे आती है डी मॉन यूनिवर्सिटी ये लेस्टर शहर में सिचुएटेड है एंड यहाँ पे जो आपको एवरेज फीस देनी पड़ेगी दैट इज सम्वर अराउंड थर्टीन टू फिफ्टीन थाउजेंड पाउ नंबर एट पोजीशन पे है दो यूनिवर्सिटी जो कि ये पोजीशन शेयर कर रहे हैं नंबर वन बकिंगम शाही यूनिवर्सिटी ये भी लंडन के बाहर को लंडन देखने को मिल जाएगी एंड द नेक्स्ट वन इज हर्थ फोर शाह यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली ये दोनों यूनिवर्सिटी आउटर लंडन में एंड यहाँ पे जो आपको एवरेज फीस देखने को मिल जाएगी दैट इज समवेयर अराउंड टेन टू ट्वेल्व हार्डली थर्टीन थाउजेंड पाउंड एंड यहाँ पे ईजिली आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जिन लोगों का वीज़ा नहीं लग रहा है ऑफर लेटर नहीं आ रहे हैं तो ऑब्वियसली इन यूनिवर्सिटी में अप्लाई ज़रूर कर लेना इनफैक्ट इसके बाद जो मैं यूनिवर्सिटीज़ बताने वाला हूँ ना यहाँ पे आपको चांसेस हैं कि बहुत इजीली आपको वीजा मिल जाएगा नंबर टेन यूनिवर्सिटी इज यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंडन नाम से ही पता चल रहा है लंडन में सिचुएटेड है वेस्टर्न पार्ट ऑफ लंडन यहाँ पे इसके तीन चार कैंपसेज हैं एंड द एवरेज फीस दैट यू नीड टू पे इज पेर अराउंड फोर्टीन टू सिक्स थाउजेंड पाउंड नेक्स्ट आ जाती है लंडन मेट्रोपोलिटन यूनिवर्सिटी इस यूनिवर्सिटी से मुझे भी ऑफर लेटर आया था एंड ये मुझे तीन पाउंड तक की स्कॉलरशिप भी दे रहे थे एंड इसका ईयरली जो आपको यू नो फीस पे करनी पड़ेगी दैट इज समेर अराउंड सिक्सटीन थाउजेंड पाउंड डिपेंडिंग अपॉन योर कोर्स नंबर ट्वेल्थ पोजीशन पर आ जाती है वो यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ नेम ऑफ़ द यूनिवर्सिटी इज यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंडन दैट इज ऑन द ईस्ट इन पार्ट ऑफ द लंडन पता ही चल रहा है नाम से एंड यहाँ पे जो आपको फीस पे करनी पड़ रही है दैट इज़ अराउंड फोर्टीन टू सिक्सटीन थाउजेंड पाउंड पर ईयर मैं जब आया था तब थोड़ी सी एक हज़ार बारह सौ पाउंड कम थी अभी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है बट यस yes, ये यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेती है प्रोसेस थोड़ा सा स्पीड है एंड स्कॉलरशिप uh, भी मुझे मुझे खुद को 2000 पाउंड तक भी स्कॉलरशिप मिल गई थी इसके साथ साथ आपको आईलेट्स भी नहीं देने पड़ेगी दैट मीन्स कि अगर आपके इंग्लिश में 85 फाइव परसेंट है तो आपको वेवर प्रोवाइड कर देती है यूनिवर्सिटी एंड आई फील यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंडन ये भी एक सेमी ऑर्गेनाइजेशन है दैट मीन्स यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंडन में भी देर आर चांसेज दैट यू माइट गेट अ वेवर नंबर थर्टीन पे आती है बी पी पी यूनिवर्सिटी जिसका कैंपस आपको लंडन में भी देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे जो आपको फीस पे करनी पड़ेगी दैट इज लेस देन ट्वेल्व थाउजेंड पाउंड अगेन डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स बट लोग कहते हैं कि ये सबसे है, है, चीपेस्ट अच्छा यूनिवर्सिटी है अब यह डिपेंड करता है लोगों की पे, कि आप यहाँ पे प्लान अगर आप यहाँ पे एक डिग्री लेना चाहते हो एन आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट की आप बीपीपी यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लेना सो नाउ द लास्ट यूनिवर्सिटी विच इज अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी बट ये काफी स्टूडेंट्स के दिल तोड़ देती है हर एक स्टूडेंट वहां पर पढ़ना चाहता है इस यूनिवर्सिटी की कैंपस है इस यूनिवर्सिटी का जो यू नो टीचिंग टेक्निक है रैंकिंग है वो बहुत सही है दैट इज बर्मिंगम सिटी यूनिवर्सिटी पे जो आपको एवरेज फी पे करनी पड़ेगी दैट इज अराउंड टू पड़ेगीउजेंड पाउंड बट इसमें आप सिर्फ अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत लेट रिप्लाइज देते हैं मेरे साथ भी इन्होंने ऐसा किया था जो ऑफर लेटर भेजेंगे एंड यू नो आपकी कैश आती है ये बहुत सारे प्रोसेस होते हैं यू के आने से पहले उसमें ये बहुत टाइम लगा देते हैं एंड वो जो चीज़ होती है ना उस चक्कर में अगर बाय चांस बर्मिंगहम सिटी यूनिवर्सिटी में आपका नहीं होता है आपका पूरा एक इनटेक तक खराब हो सकता है देखो भाई ये तो लॉटरी है अगर लग जाती है सो इट इज़ ओके अगर नहीं लगती है तो यू स्टिल गॉट सम अदर ऑप्शन एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो एंड कितना हार्डवर्क कर रहे हो उस चीज़ पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है क्योंकि आप आते हो एक नई कंट्री में इसके साथ साथ यू विल बी वर्किंग ट्वेंटी आवर्स अ वीक तो जो वो बैलेंस बनाना पड़ता है ना एक प्रोफेशनल लाइफ एंड एक यू नो स्टडी लाइफ में उसमें बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी फेल होते हुए मैंने देखे हैं तो इस वीडियो का ये मतलब था कि ये जो कोर्सेज़ हैं आपको फीस बताई है मैंने ये वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर कोर्स क्योंकि हर एक कोर्स अभी इतनी सारी मैंने कर दी है रिसर्च हर एक कोर्स में जाके उसकी फीस यू नो देख के आपको बताना इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क आपको पता चल गया है कि अभी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है इसके साथ साथ अगर आपको ये सारी लिस्ट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में कर सकते हो डीएम इसकी फोटो खींच के मैं आपको भेज दूंगा आई फील कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा कि आपका कितना बजट रहने वाला है अगर आप यूके आना चाहते हो एंड इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो आपके वीज़ा इश्यूज में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि देर आर डॉक्यूमेंट्स एस ओ पी एल ओ आर एंड लाइक बहुत सारे वहाँ पे चीज़ें होती हैं जो कि डाउट्स रहते हैं मुझे भी थे तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करो वी कैन हैव अ गुड चैट अबाउट इट दैर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो मैं चलता हूँ मिलते हैं द नेक्स्ट वीडियो क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में ये जो सारा अमाउंट मैंने आपको बताया है ना वो आप लोन कैसे करवा सकते हो एंड इंडिपेंडेंटली आप अपने होम कंट्री से यूके आना चाहते हो तो आप कैसे यू you नो know, वो चीज़ प्रोसेस करवा सकते हो लोन कैसे ले सकते हो सो स्टे यून फॉर दैट मैं निकलता हूँ इस वीडियो से तब तक के लिए बाय बाय